सपनों को तभी मिलेगी उड़ान, हम तभी होंगे कामयाब जब होंगे हम शिक्षित। क्षेत्र का एकमात्र महिला महाविद्यालय मोती महिला महाविद्यालय, छतरपुर रोड मऊरानीपुर। विद्यालय प्रबंधक हरिश्चंद आर्य। अपनों को देना है उपहार तो जरूर आए बल्ले पहाड़िया गिफ्ट सेंटर। हर प्रकार के गिफ्ट के लिए एकमात्र स्थान बल्ले पहाड़िया गिफ्ट सेंटर, चौमुखी माता मंदिर के पास, अलियाई मऊरानीपुर। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड मऊरानीपुर। किसानों का साथी आयशर ट्रैक्टर्स। आयशर का वादा उम्मीद से ज्यादा, ज्यादा पीटीओ एचपी, ज्यादा हाइड्रोलिक क्षमता, ज्यादा कमाई और ज्यादा भरोसा। गुप्ता ट्रैक्टर एजेंसी, प्रॉप राइटर शुभम गुप्ता, पठा वाले वैद्य, झांसी रोड मऊरानीपुर। कोई भी ना हो शिक्षा से वंचित, ऐसा संकल्प है हमारा। श्री राम महाविद्यालय बंगरा, संस्थापक एडवोकेट रविपाल सिंह यादव, अध्यक्ष अरविंद सिंह यादव, प्रबंधक इंजीनियर चंद्रपाल सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह यादव, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबद्ध। शादी हो या कोई समारोह, या करना हो जन्मदिन की पार्टी, आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार होटल पीएल, नगर का सर्वोत्तम गेस्ट हाउस, फूल सिंह यादव, पीएल गेस्ट हाउस मऊरानीपुर। झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने समूहों में शामिल महिलाओं को खुद को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर संघर्ष की जबरदस्त क्षमता है, उन्हें केवल सहयोग देने की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि झांसी जिले के 8 विकास खंडों में कुल 4000 समूह इस समय कार्यरत हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 3,50,000 समूह काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की मंशा है कि इन समूहों की संख्या 10,00,000 तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाएं गरीबी के कारण उनके निराकरण के उपाय, सामाजिक रूप से सशक्त होने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों, आपसी विश्वास को मजबूत करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के बारे में मंथन करें। हमारी कोशिश है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ समूह की महिलाओं को शत प्रतिशत मिले। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इन समूहों को हर संभव सहायता दिए जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है और इस प्रतिबद्धता के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि महिलाओं को सकारात्मक सहयोग मिला तो इन्हें आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इससे पूर्व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर भी प्रकाश डाला तथा पूरे समाज से इनसे दूर रहने की अपील की। इस अवसर पर नगर विधायक रवि शर्मा भी मौजूद रहे। देखिए, इस समय तो अभी 8 ब्लॉकों में 4000 समूह बने हुए हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि भाई हर एक पात्र व्यक्ति इस पे जुड़े। अभी पूरे प्रदेश में देखा जाए तो करीब 3,50,000 समूह बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10,00,000 समूह करना है। हर एक जो पात्र जो बहने हैं इसमें जुड़े और समूह के तो ये लोग जुड़ेंगे। इनकी पहले अपनी समस्याओं के बारे में, गरीबी के क्या कारण है और इसको कैसे निजात मिल सकता है, उसको क्या इनके अंदर सामाजिक रूप से भी इनको संगठित करने की ज़रूरत है और आपस में एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़े, इनके आपस में लेन देन वगैरह, फिर बैंक के इनको सपोर्ट दिया जाएगा। झांसी से मनीष लिक की रिपोर्ट।